हेलो स्टूडेंट, दिस इज के भट्ट हियर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन आई एम हियर विद द रिविजनल वीडियो ऑफ एस एस टी ऑफ क्लास सेवेंथ। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट डेमोक्रेसी। यू नो वेल दैट a republican form of government is based on the principle of democracy, where the head of the state is elected by the people. And what we call democracy, where a republican form of government is based on the principle of democracy, where the head of the state and the president is elected by the people. First of all, just we see here, we are going to describe type of democracy. Dear students, you know well that direct and indirect democracy. Democracy are two types. The first is called direct democracy, second is called indirect democracy. We have read that all the male citizens in Athens were member of the assembly, a body that took all the important decisions. India is a democracy. But do you think all the citizens of India directly take part in all the decision of the government? Why let us try to understand? अब देखते हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि क्या आप देखते हो कि भारत भी क्या एक डेमोक्रेसिक राष्ट्र है, तो क्या है सभी लोग जितने लोग भी हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट होता है दूसरा इनडायरेक्ट होता है। अब देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट में क्या होता है, जहाँ पे जो सिटीजन होता है वो डायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट करता है किसी भी गवर्नमेंट अफेयर्स में। टूडे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ओनली स्मॉल कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड जानती हो बहुत, तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इट इज़ पॉसिबल इन स्विट्जरलैंड दैट एवरी मेंबर प्ले रोल टू डेवलप द कंट्रीज बिकॉज ऑफ लैक पॉपुलेशन। बट अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो आप देखते हो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो वही कह रहे हैं मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो सबसे पॉपुलर है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जो बहुत सारे देशों में है, वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, हाँ चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद प्रत्याशी आते हैं, प्रत्याशी को हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं, उनका हम चुनाव करते हैं और चुन करके उनको हम भेजते हैं, फिर उनमें उन लोगों में भी चुनाव होता है, और इस तरह से एक जो प्रोसेस मेंटेन होता है, ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब एक बार किसी को पीएम आप बना दिए तो हमेशा प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति रहे, ठीक है, तो हर किसी देश में 4 ईयर्स किसी 5 ईयर्स के बाद री इलेक्शन होते हैं, और 5 साल के बीच में एक जो जजमेंट होता है वो किसके हाथ में होता है, ये जजमेंट जो होता है पब्लिक के हाथ में होता है। पब्लिक ये देखती है कि 5 साल के बीच में ये कितना काम किया है, क्या हमारे वादों पे खरा उतरा। अगर उसे लगता है कि नहीं इसने अच्छा काम नहीं किया तो पब्लिक क्या करती है, उसको हटा देती है। इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल सो दैट पीपल कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। ऑल द सिटीजन इज कल बाय द चूज अलाउड टू द पार्ट इन द इलेक्शन। अब आप देखिए इक्वलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी नोन मोर अबाउट। अब आके देखिए हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी की। डॉटर्स ऑफ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर इन मुंबई टॉप द चार्टर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। अब जैसे कि मान लो अब यहाँ तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल का बच्चा हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बच्चा हो, चाहे डॉक्टर का बच्चा हो, चाहे डीएम का बच्चा हो, अगर एग्जामिनेशन अगर कराए जाते हैं
तो उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा तो बैन नहीं रहता कि नहीं आप नहीं जाओगे आप नहीं जाओगे। और अपने टैलेंट के बल पे जो बच्चे प्रतिभा के बल पे जो नौकरी जॉब हासिल करते हैं वो अपना आगे, जैसे मान लीजिए अभी इसमें देखिए एक रिक्शा ड्राइवर, आप जानते हो रिक्शा ड्राइवर क्या है, बहुत लेस अर्निंग पर्सन है, लेकिन फिर भी उसकी जो बच्ची है ठीक है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन को टॉप करती है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सी है। यानी कि लिविंग इन लोअर लाइफ, लिविंग इन लोअर लाइफ और डॉक्टर ऑफ ऑस्टो रिक्शा कैन बी हियर बिकम एन अकाउंटेंट्स, डेट इज बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर आप दूसरा देखो, कह रहा है कि डॉक्टर ऑफ वेरी पुअर फार्मर बिकम द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ हर विलेज। जैसे मान लीजिए परीक्षाएँ होती हैं, नीट की परीक्षाएँ होती हैं, तो कोई भी बच्ची अगर टैलेंटेड है, पढ़ रही है, परीक्षा पास आउट कर रही है, तो वो जो है डॉक्टर हो सकती है। पुअर न्यूज़पेपर वेंडर गेट्स एडमिशन इनटू अ वेरी फेमस मैनेजमेंट इन कोलकाता। गर्ल्स स्कोर मोर देन बॉयज इन CBSE ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये डेमोक्रेसी की देन है कि यहाँ पे जो गर्ल्स वो भी आगे आ रही हैं और दे गेट गुड मार्क्स इन CBSE ऑल एग्जामिनेशन। टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ बिकम सिलेक्टेड टू प्ले फॉर टीम इंडिया। अब कोई ट्राइबल कम्युनिटी का है या बहुत लोअर कैटेगरी का, उसके पास कैटेगरीज है, अगर उसका टैलेंट है क्रिकेट को शो ऑफ कर रहा है, अगर प्रॉपरली वो प्ले कर रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन क्या हो सकता है क्रिकेट टीम में, इंडिया क्रिकेट टीम में हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो टॉप क्लास पे है या बहुत हाई पद पे बैठा हो उसी के बच्चे जो हैं अच्छे जगहों पे जा सकते हैं, हमारे आपके बच्चे भी जा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की ही पावर है कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी क्या करता है, बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में बैठता है और वो पास आउट होता है और अपने अपने अधिकार को जान करके खुश होता है। व्हाट डू दिस रिपोर्ट शो, सच रिपोर्ट शो दैट इन ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया एवरी पर्सन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लीड हिज हर ओन लाइफ एंड फॉलो हिज हर ओन एम्बिशन। मतलब ये डेमोक्रेसी की पावर है कि भारत का हर व्यक्ति अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, किसी भी तरह की कोई कार्य होती है, तो उसमें इक्वलिटी है, तो सब भारत के सब कोई भी नागरिक हो, भारत का नागरिक अगर है तो परीक्षा में बैठ सकता है, वो टॉप कर सकता है, अपने टैलेंट के आधार पर अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकता है और उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ग्रेड, रिलीजियस, सेक्स और जेंडर। अब देखो ये जो चीज़ कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, अभी तो कुछ हद तक समाज में है, लेकिन जॉब में किस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो कास्ट हो चाहे ग्रेड, रिलीज, कोई भी सेक्स, जेंडर हो, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एनी बॉडी बॉय और गर्ल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर, इफ सी ही हैज ए राइट टैलेंट। तो कह रहा है कि मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है उसके पास अगर टैलेंट है तो। देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ग्रेड, रिलीजन, एनी बॉय और गर्ल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर, ही सी विल फेस टू डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू हिज हर कास्ट, सेक्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर कोई व्यक्ति है जो जात के आधार पे या जेंडर के आधार पे, सेक्स के आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है या आर्थिक आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिमिलरली एनी पर्सन ही सी हैज़ इनफ टैलेंट कैन रिप्रेजेंट इंडिया एज ए पर्टिकुलर स्पोर्ट और म्यूजिक का डांस। तो अगर आपके पास क्षमता है तो आप किसी भी क्षेत्र में अपने नाम को आप आगे बढ़ा सकते। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड। ड्यूरिंग इलेक्शन ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर अलाउड टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो भी है हमारे देश के नागरिक है उन्हें वोट देने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी इक्वलिटी मिली है। अगर हम बात करते हैं रिलीजियस इक्वलिटी, तो जैसे रिलीजियस इक्वलिटी धर्म निरपेक्षता की बात हम करते हैं, तो भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को इक्वल राइट है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबको इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, सबको अपनी बात करने का, अपने धर्म को अपने हिसाब से पालन करने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं रिलीजियस इक्वलिटी, तो धार्मिक इकोनॉमिक इक्वलिटी, सरकार जो चाहती है वो जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन है
इसको वो ख़त्म करना चाहती है, और इट मीन्स दैट वर्कर्स विल एस बी एक्सप्लोर्ड बाय देयर एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इक्वलिटी है, सोशल इक्वलिटी है, आर्थिक आधार पे भी लोगों की इक्वलिटी है। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर समान काम है तो समान सैलरी का नियम है, वहाँ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है और सभी लोग अपने हिसाब से उसको मैनेज करने का काम कर रहे हैं। अब आप देखते हैं मेनी काइंड्स ऑफ, ठीक है, इनइक्वलिटीज क्राइसिस इन द डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया, लुक एट द सम एग्जाम्पल। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ हमको लग जाएगा कि भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ अनइक्वलिटी की बात हमसे की जाती है। अब वो कौन सी जगह आप देख सकते हैं, इन आवर हाउसेस, इन आवर हाउसेस हाउस हेल्प आर ऑफन अलाउड टू सीट ऑन द सोफा एंड डाइनिंग टेबल। अब घरों में देखेंगे जो हाउसेस हेल्पर्स हैं वो नॉट अलाउड को सोफा या ड्रिंकिंग टेबल बैठने के अलाउस नहीं होता, दे आर मेड टू सीट ऑन द फ्लोर आर गिविंग सेपरेट बेड्स आर यूटेंसिल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इक्वलिटी। आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनको जमीन बैठे खाना पड़ता है, तो ये सोशल इक्वलिटी है। अब रोहित फादर इज़ ए पुअर डेली वेज लेबर। आप देखते हैं एग्जाम्पल देते हैं कि रोहित के जो फादर हैं वो पुअर डेली वेज वैक्स लेबर हैं, डेली कमाने वाले व्यक्ति हैं। ही कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रेन टू, ठीक है, टू स्कूल। वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनको अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज नहीं सकते। वे मैंने वेन देसी चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज गोइंग टू स्कूल इन ए बिग बस। जब देखते हैं कि सारे जो बच्चे होते हैं बड़े बस में बैठ के स्कूल जाते हैं, दे वांट टू गो टू स्कूल देमसेल्फ, वो भी स्कूल जाना चाहते हैं, बट देन दे रिमेंबर दे आर टू पुअर टू गो टू, मतलब याद आता है कि भाई वो तो बहुत गरीब हैं और इस तरह से वो स्कूल नहीं जाते। इट इज़ अ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, या सोशल इनइक्वलिटी हो गई या इकोनॉमिक इक्वलिटी हो गई। मैनी सच स्टैंड सो दैट इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी आर स्टिल वेरी कॉमन। सोशल प्रैक्टिस सच एज द कास्ट सिस्टम एंड लेस पे फॉर वुमेन आर इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर सच इनइक्वलिटी। जब आप देखते हैं एक पुरुष अगर कोई काम करता है तो उसी काम उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, पर औरत करती है तो उसको कम सैलरी मिलती है, ये भी क्या है, एक सोशल इनइक्वलिटी है। ट्रीटेड द सबॉर्डिनेट क्लास अनफेयरली रिजल्टिंग इन ह्यूज इनइक्वलिटीज इन द सोसाइटी, दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस इनइक्वलिटीज एंड ट्रेमेंडस ऑपरेशन बाय द डोमिनेंट क्लास, ठीक है। और अक्सर देखा जाता है बड़े पैमाने पर जो बड़ी जात के लोग होते हैं वो छोटे जात को डोमिनेट करते हैं। दिस पीपल आर समटाइम रिफर्ड एज द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब समाज से दूर कह सकते हो, चीज़ों से दूर है, ठीक है। मेनी सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीम अम्बेडकर एंड अदर रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, दे वर्क टायरलेसली फॉर द अपलिफ्टेड ऑफ द डिप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये लोग बार बार कोशिश करते रहे कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी ऊपर उठाया जाए। तो एज सिटीजन वी शुड ट्राई टू डिस्करेज डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी बाय नॉट इनकरेजिंग एनी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, ओनली देन ट्रू डेमोक्रेसी कैन बी एस्टेब्लिश। मेरे सर की हम बात करते हैं कहीं कोई इनइक्वलिटी ना हो, कहीं कोई सोशल डिफरेंसेस ना हो, सारी चीज़ें परफेक्ट ऑर्डर में हैं, तो वास्तव में वही जो होती है रियल डेमोक्रेसी होती है जिसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग बात करेंगे इनइक्वलिटीज अराउंड द वर्ल्ड। देर आर फ्यू ग्रेट थिंकर एज लॉक सांग्स आंग सांग सू की, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एस्वान मेनिस, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे उनके क्या विचार हैं, कैसे उन लोगों ने सोशल इक्वलिटी के लिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी, रिलीज इक्वलिटी के लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया है। अब उस पर हम लोग टुमारो आई विल डिस्कस टुमारो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक।